भानुप्रतापपुर में नोटों की गड्डी के साथ भाजुमो नेता का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में भाजुमो के मंडल अध्यक्ष आकाश सोलंकी के कार में नोटों की गड्डी दिखाई दे रही है। मामले में तूलपकड़ता देख भाजुमो मंडल अध्यक्ष आकाश सोलंकी का बयान भी सामने आया। कांग्रेस नेताओं के आरोप के बाद उन्होंने कहा कि ये मेरे पारिवारिक पैसे हैं, मैंने नादानी के कारण ये वीडियो पोस्ट कर दिया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल मेरे दादा की उम्र के हैं, उन्हें इस तरह का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। मामले में सीएम विष्णु देसाई ने कहा कि नोट के बंडल वाले वीडियो की वेरीफाई कर रहे हैं, हमारे लोग और सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। वहीं मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि युवक कौन है, युवक के पास नोट का बंडल कहां से आया, ये सब जांच का विषय है। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। पूर्व मंत्री चुडरिया ने कहा कि बीजेपी के नेता खुलेआम भ्रष्टाचार कर पैसा दिखा रहे हैं और बीजेपी नेताओं के इन कामों को जनता देख रही है। वो वीडियो में जो पैसे हैं वो मेरे पारिवारिक पैसे हैं, जिसका मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट भी है। मैंने उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिर्फ छोड़ा है। रील्स का जमाना है तो मैंने भी एक स्टोरी पोस्ट की थी वीडियो बना के, जिसपे भूपेश बघेल जी ने, जो कि मेरे दादाजी की उम्र के हैं, उनको इतनी छोटी मानसिकता का परिचय देना ठीक नहीं है। वो बंडल वाला जो वीडियो आया है उसका वेरीफाई करा रहे हैं। आजकल बहुत फेक वीडियो भी चल रहा है और जहाँ तक हमारी सरकार हमारे लोगों को बदनाम करने की साजिश भी चल रही है, तो उसका जो वीडियो है उसका वेरिफिकेशन कराएं। ये तो पूरा जांच का विषय है कि कौन है, युवा मोर्चा क्या है और वो कहाँ से नोट मिला है, कैसे घूम रहा है, ये सब बिंदुओं पे तो जांच का विषय है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है नोट लहराने का काम कर रहे हैं। आज भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में इतना बढ़ गया है कि ये खुलेआम नोट दिखाकर लोगों को डराने धमकाने का भी काम कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति बन चुकी है, आने वाले समय में इसका असर जनता में दिखेगा। अच्छा, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, इस पूरे मामले पर अगर देखें तो वीडियो के सामने आने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू था और इसके बाद आकाश सोलंकी ने अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन जांच के बाद इस पूरे मामले पर कही गई थी, अब तक क्या जांच हुई है? बिल्कुल, देखिए ये वीडियो जो है बताया जाता है कि 2-3 दिन पुराना है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कल इस वीडियो को जो है सोशल मीडिया में वायरल किया था, इसके बाद से ये जानकारी है। और निश्चित रूप से पैसे को जो है कई गड्डियों को जो है अपनी गाड़ी में रखा गया था और संभवतः ये रील बनाया गया था, उसके बाद ये पूरी तरीके से वायरल हुआ है। पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी काफ़ी तेज़ हो गई है। कांग्रेस के नेता जो है सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का पैसा है और इसीलिए आप देखिए कि सोलंकी जिनके ऊपर आरोप लगाए, जिन्होंने पैसे अपने कार में रखे थे फिर रील और वीडियो बनाए थे, अब वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये मेरे पारिवारिक पैसे हैं, मेरे परिवार के पैसे हैं। लेकिन चूंकि अब ये मामला पूरी तरीके से राजनीतिक हो चुका है, अब उसमें देखिए कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आ चुका है और तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं का बयान आ रहा है, इससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है छाए रहेगा कि किस तरीके से बीजेपी के नेता जो है अपने कार में अपने साथ जो है ये पैसा लिए रहते हैं और कांग्रेस के तमाम नेता इसे भ्रष्टाचार का पैसा बता रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के एक विधायक रामकुमार यादव भी का भी एक इसी तरीके से वीडियो आया था जिसमें वो गड्डी के साथ नजर आ रहे थे, पैसों की गड्डी के साथ नजर आ रहे थे। उसके बाद से कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसा जिक्र होता है तो उनका नाम जरूर आता है। तो इसी तरीके से अब दूसरा एक ये हो गया है कि कांकेर के जो भाजीमो के अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनका ये वीडियो आ गया। आने वाले समय में आप देखिएगा कि किस तरीके इस मामले पर और भी बयानबाजी होगी, लेकिन आप देखिए कि जो जिनके पर आरोप लगा है वो तमाम कांग्रेस नेताओं को और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कह रहे कि वो तो मेरे दादाजी के समान है, उनको इस तरीके के आरोप मेरे ऊपर नहीं लगने चाहिए। लेकिन दरअसल आप समझिएगा कि अभी ये भाजयुमो के पदाधिकारी अर्थात जो है इनकी अभी राजनीति में उतना दिन नहीं हुआ है जितने दिन जो है भूपेश बघेल जैसे तमाम कांग्रेस नेताओं का अनुभव हो गया है, उम्र हो गया है। ऐसे में ये अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है जो आने वाले समय में आप देखिएगा कि और जो है इस पर आरोप प्रत्यारोप होंगे। बिल्कुल सौरभ, जैसा कि हम भी देख रहे हैं कि आकाश सोलंकी ने तो ये कह दिया कि उनका पारिवारिक पैसा, लेकिन ये पूरा मामला राजनीतिक मोड़ अब ले चुका है। आगे अपडेट जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम।